सबसे पहले जय श्री महाकाल। मंजिल की ना की जाए, सफर की जाए। अपनी राय बदली वहाँ अंदर जो लोग थे उन्होंने मेरे लिए अपनी राय बदली, तो मैं वीन वहीं हो गई थी। खेलने वाले थे जो प्रेजेंट अच्छे से करने वाले थे सबको, मतलब नंबर कभी भी लग सकता है। राधे राधे, तो आ गया है बिग बॉस OTT3 वीकेंड वार, और इसमें होना है किसी को आर या पार। तो यहाँ पे चंद्रका दीदी बिग बॉस हाउस से आउट हो चुकी हैं, और ये आते ही इन्होंने बोला कि जय श्री महाकाल। और जहाँ तक मंजिल की बात की जाए, तो मैं मंजिल को छोड़कर मैं बिग बॉस हाउस में जब पहुँची और वहाँ पे मेरे लिए रवैया सबका बदल गया, तो वहीं पे मैं विनर हो गई। मैं असली विनर मैं ही हूँ, मुझे ट्रॉफ़ी से प्यार नहीं है। मैं असली विनर अपने आप को वहीं से मानने लगी थी, और मुझे ट्रॉफ़ी से प्यार नहीं है, दूसरा कोई कुछ भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने कहा जो असली प्लेयर थे उनको सबको तो बाहर कर दिया गया, नीरज भैया, पॉलमी, मैं और एक पायल, वो भी सबको बाहर कर दिया गया है, तो फिर अब बचा ही कौन है, अब देखो कौन होता है। और उन्होंने विनर घोषित किया है रणबीर भैया को, रणबीर भैया को मानते हैं। आपकी राय क्या है?